नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल योगा लाइफ में और मैं हूं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन, जो मेरा एक फेवरेट आसन है क्योंकि बैक बेंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आसन का नाम है ऊष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज भी बोलते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे, करना सीखेंगे, उसके फायदे उसके नुकसान सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊष्ट्रासन बहुत सारे लोग हैं जो उसको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, जिन्हें लगता है कि ऊष्ट्रासन कंफर्टेबली नहीं कर पाते हैं। तो थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी उनको मैं कि कैसे वो अपना पोस्चर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए पहले पोस्चर करके देखते हैं, फिर मैं उसके फ़ायदे बताऊँगी साथ साथ, और किन को नहीं करना है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ऊष्ट्रासन करने के लिए पहले बिगिनर का करते हैं, जो शुरुआती हैं, जिन्हें सीखना है या जिनसे होता नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो करना क्या है आपको, इस तरह अपने घुटनों पे आना है। अब घुटनों की बात आई है तो जिनको नी पेन बहुत ज़्यादा है, कोई इंजरी है नीज में, डॉक्टर ने ऐसे रखने के लिए या नीचे फोल्ड करने के लिए मना किया है, तो वो लोग नहीं करेंगे इसको, थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो नीज पे आए, अब देखो, अब नीज के बीच में गैप है, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं, नहीं तो नीज के बीच में गैप रखना है कितना, ये देखो, ये डिस्टेंस है हमारा हिप विथ, तो ये और ये अब हो गए ना बिल्कुल अलाइन। इसके नीचे राइट नी, लेफ्ट हिप के नीचे लेफ्ट नी, तो गैप यही। अब जितना पैर नी, जितना गैप नीज में है उतना ही गैप हमें अपने पैरों के बीच में रखना है। ये नहीं पैरों को जोड़ लेंगे या फिर ज़्यादा खोल देंगे, नहीं, तो सेम गैप, नीज जितना गैप पीछे, ये हो गया। अब क्या करना है बिगनर्स को, अब हम हाथ वाथ बात की बात है वो बाद में देखेंगे। हमें अपना दायां हाथ अपने दाएं हिप पे रखना है, बायां हाथ बाएं हिप पे, इस तरह से, ठीक। कंधों को बिल्कुल पीछे की तरफ, देखो जैसे ही कंधे पीछे गए जो हमारी चेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो जाता है। एक चीज़ और, अगर आपको नीज ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगते, मुझे भी नहीं लग रहे, तो आप नीचे मैट को थोड़ा डबल करो ताकि फ्लोर चुभे ना, हमारी बोन्स हमें इरिटेट ना करें, तो इस तरह से, या फिर पतला सा पिलो जो होता है ना वो भी रख सकते हैं आप। ये हाथ रखा इस तरह से, तो कंधों को थोड़ा पीछे किया, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, डाउन रखना है और पीछे रखना है, कोहनियों को पीछे एक दूसरे की तरफ, ये अभी नज़र बिल्कुल सामने, नज़र सामने, और हल्का सा अपने हाथ से अपने हिप को पुश दो आगे की तरफ। जब हिप को पुश करोगे ना तो पेट आगे की तरफ निकलेगा। अब ध्यान दो, जब हम ये कर रहे हैं तुम्हारे हिप हमारे नीज के साथ ही है ना, बट जब बाजू पीछे ले जाने के लिए बोला जाता है ना तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, तो ये गलत हुआ ना, हिप कहाँ आ गया, नी कहाँ चला गया। तो नी और हिप ये रहने चाहिए, बाजू पीछे ले जा रहे हो तो भी, ऐसे कर रहे हो तो भी, गैप बढ़ना नहीं चाहिए, करते करते नीज खुलने की कोशिश करते हैं पर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हम थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन इसी तरह होल्ड करेंगे, श्वास लेते हुए शुरू करेंगे, बाद में नॉर्मली श्वास चलता रहेगा। तो चलिए, हाथ रखा, धीरे से ब्रीद इन, ये, अब गर्दन को मैंने बहुत ज्यादा पीछे नहीं किया, मेरी नजर वहां है सामने, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। अब यहां पे श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए शीशांकासन, हिप नीचे रखो, माथा आगे रखो, यहां पे आ जाओ, चाइल्ड पोज। अब जब हम ये कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एब्डोमिनल एरिया पूरा स्ट्रेच हो रहा था, हमारे थाइस क्वाड्स जिसे हम बोल देते हैं, हमारा एंकल स्ट्रेच हो रहा है, हमारा थ्रोट एरिया स्ट्रेच हो रहा है, हमारा चेस्ट पूरा ओपन हो रहा है। तो कितने फायदे मिल रहे हैं एक आसन से, पेट का फैट कम होगा, जब उस पर स्ट्रेच आता है तो उसकी फैट, उसके मसल्स पे काम हो रहा है, बटक्स जो है वो स्क्वीज रखने हैं तो इन पे काम हो रहा है, बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, कब्ज की समस्या के लिए, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, ओवरीज के लिए, लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है क्योंकि ये हम ओवरऑल ग्लैंड्स के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है।
तो बहुत सारे फायदे हैं। जब चेस्ट ओपन होता है तो ब्रीदिंग का जो इशू है, अस्थमेटिक लोग हैं जो अस्थमा, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो श्वास को रोकिएगा नहीं। बीपी जिनका हाई रहता है बहुत, अगर इस दौरान हाई चल रहा है काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से, तो मत करिए प्रैक्टिस। अगर आपका कंट्रोल में रहता है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो था पहला स्टेप। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या करना है, अब आपने पैरों को ऐसे टक रखना है, अभी सीधा नहीं करेंगे, ये टक कर दिया। ठीक, अब दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए एक हाथ पीछे गया, अब यहीं रुको। अब ये देखो कि जब मेरा हाथ पीछे गया तो मैं खुद ऐसे नहीं गई साथ में, ठीक है, जो चेस्ट है उसको सामने की तरफ रखना है, ये इधर, दूसरा हाथ सामने, यहां पे रुको, फिर नजर वहां पे, श्वास लो, श्वास छोड़ो। बहुत इजी है एक हाथ से करना, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापिस, लेते हुए शुरू करो, वहां जाके नॉर्मल कर दो, लेते रहो छोड़ते रहो, और वापसी पे श्वास छोड़ते हुए आओ। अब दूसरा बाजू, श्वास लेते हुए पीछे, साथ में नहीं घूमेंगे, सीधा रहेंगे और नजर ऊपर सामने, श्वास लो श्वास छोड़ो, फिर वापस। कुछ दिन ऐसे करोगे, फिर धीरे धीरे दोनों बाजू, श्वास लिया और स्टे किया, अभी टोज जो है वो अंदर है, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग गर्दन ऐसे भी कर देते हैं, तो ये गलत नहीं है, पर ऐसे उनको नहीं करना है। जिनको चक्कर आता है, डिजीनेस इशू है, कोई वर्टिगो का ज्यादा इशू है, तो वो गर्दन ऐसे मत लटकाएं, वो हल्का सा उठा के रखें यूं, और ऊपर छत की तरफ देखें, बिल्कुल आई लेवल पे सामने, ठीक है, हाथों को यूं रखें, ये कंधे बिल्कुल सिकोड़ने नहीं है पीछे ज्यादा, मतलब कि ज्यादा ऐसे नहीं कर देना उनको, हल्का सा खोल के ही रखना है। जब मैंने यहाँ बोला था कि एल्बो ये लेके जाओ, वो शुरुआत में था कि थोड़ा पुश करना है, चेस्ट ओपन करना है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना था, बैक मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना था, ठीक, वही चीज़ है कि कंधों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ मत लाइए, नॉर्मल रखिए, चेस्ट खोल के यहाँ पर, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये, फिर से चाइल्ड पोज, ताकि बैक कंफर्टेबल होती रहे साथ साथ। जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओ तो टोज ऐसे थे, अब टोज फ्लैट। देखो ऐसे करने से क्या हो रहा है, हील ऊपर आ रही है तो थोड़ा हाइट बढ़ रहा है, तो हाथ को ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही नीचे ले जाने में। अब यहाँ से थोड़ा हील नीचे चला गया तो एफर्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो ये जब कंफर्टेबल हो जाओ तभी करना। लास्ट फाइनल पोज, श्वास लेते हुए स्टे देयर, ये देखो कंधों को फिर ऐसे नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिकोड़ा नहीं है पीछे से, खुला रखा है, गर्दन यहाँ पे भी रख सकते हो न्यूट्रल पोजीशन में और पीछे की तरफ भी, श्वास लो श्वास छोड़ो और वापसी, श्वास छोड़ते हुए। अब जब गर्दन अगर किसी ने पीछे पूरी कर दी है ना, तो पहले गर्दन को सीधा करना है, हाथ पहले नहीं लेके जाएंगे, अगर गर्दन पूरी पीछे है तो पहले गर्दन को सीधा करो, फिर धीरे धीरे वापिस इन चाइल्ड पोज। बहुत ही बढ़िया आसन है ये, बहुत सारे फायदे देता है हमें। तो जब आप इस पोस्चर को करते हो तो कम से कम 20 से 30 सेकेंड कम से कम जरूर रुकने की कोशिश करो। एक आसन में जब तक रुकोगे नहीं थोड़ी देर, उसको अपने शरीर पे काम तो करने दो, है ना, 2 सेकेंड किया फिर अगले पे फटाफट आ गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक के कीजिए। और प्रिकॉशंस क्या है, जिनकी अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है पेट की, बैक की, किसी भी तरह की, तो नहीं कीजिएगा, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड्स के दौरान नहीं करना है, अल्सर वालों को नहीं करना है, तो बीपी हाई अगर बहुत चल रहा है उस दौरान भी नहीं करना है, बीपी लो बहुत ज़्यादा चल रहा है उस दौरान भी नहीं करना है, है ना, तो थोड़ा स्टेबल रह के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली समझ आए हैं, तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा के जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आप सबका धन्यवाद।